नमस्कार, कैसेक्रेन.com में आप सभी का स्वागत है। और आज जब हम लोग बात करेंगे एक खास विषय के बारे में, और वह विषय रहेगा हेडेक। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अगर आपको सर दर्द होता है किसी भी तरह का, बुरी तरह से जो वो पेन होता है आपको यहाँ पर पीछे की तरफ या फिर जो कहीं भी राइट साइड में, तो ऐसे में जब आप जो वो एक ध्यान रखिएगा, आपको जो वो कुछ खास नहीं करना जो हम बताने वाले हैं, बस उनको छोटे छोटे स्टेप्स को अपना लीजिए। उम्मीद है आपका जो वो हेडेक आने वाले समय में बिल्कुल जो वो दूर हो जाएगा। तो इस अगर ऐसी ही जानकारी जानते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी का आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को अंत तक जब वो देख लीजिए और सीख लीजिए हेडेक के सोल्यूशन के बारे में। तो अभी जब वो हम लोग आपको बताते हैं, सबसे पहले तो अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी वगैरह है या फिर किसी तरह की दिक्कत है, माइग्रेन वगैरह की है, तो ऐसे में जो ये सॉल्यूशंस शायद आपके लिए वर्क ना करें। अगर आपके पास साथ जो वो नेचुरली कभी कभी दर्द जो है वो आपको होता है, कभी हफ्ते भर में, महीने भर में, और ऐसे में जो आपको लगता है कि पता नहीं ये दर्द जो है वो हो क्यों रहा है, तो आज जो हम लोग आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। ऐसा जो वो अक्सर होता है सिर्फ आपकी वजह से, और आपकी वजह जो वो क्या रहती है, अगर आप यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, अगर आप जो है वो एक्सेस करते हैं इंटरनेट अपने लैपटॉप या टीवी पर, और इंटरनेट या फिर जो वो टीवी को ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसे में जो इसके रीजन हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो वो ज़रूरत है लगभग पूरा एक दिन में 8 घंटे या उससे ज़्यादा की जो वो नींद आपको चाहिए, 6 से 8 घंटे के बीच की। तो ऐसे में जो एक गहरी नींद चाहिए आपको 8 घंटे तक की, तो ऐसे में जो आप ट्राई कीजिए कि आप जो वो पूरी नींद लें, साथ के साथ जो वो लगातार अपने फ़ोन को या मोबाइल को जो है वो आपके टीवी को या कंप्यूटर को जो है वो ना देखिए, तो ऐसे में जो वो बच के रहिए इससे। और साथ के साथ रात को सोते समय या फिर जो जितना भी हो सके अपने सर के पास जो फ़ोन को मत रहने दीजिएगा, आप जितना हो सके उतना दूर रखिएगा फ़ोन। और उसके बाद मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपको जो वो किसी भी तरह का पेन जो है वो आने वाले समय में अपने सर के अंदर जो वो हेडेक नहीं देखने को मिलेगा, और इसका जो है वो आपको छुटकारा आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो वो जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको जो ये कारगर लगे होंगे सारे के सारे नुस्खे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इनको एक बार, और उसके बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट में भी कि आपको जो है ये जानकारी कैसी लगी और ये जो है नुस्खे आपके लिए कामयाब रहे कि नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी को दबा लीजिए। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अक्सर कहते रहते हैं मेरे सर में दर्द है, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सीखते रहिए हमारे साथ, कैसे करें।